नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कन्या लग्न के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर में बढ़िया स्थिति बन रही है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कहें तो इसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। कौन सा योग? शत्रुहंता योग। लेकिन हड्डी टूटने का भी योग है। वृश्चिक राशि के दुख काटे नहीं कटते और कन्या राशि वालों की अवरोध छांटे नहीं छटते। कभी सोचा आपने कारण क्या है? कारण कौन नाथ मोहि मारा। अकाल पुरुष की कुंडली में आप लोग 6 नंबर लेके आते हो। 6 नंबर अकाल पुरुष की कुंडली में क्या है? छठवां भाव है। छठवां भाव का मतलब ऋण रोग परेशानी। तो ऋण रोग परेशानी आपके मूल में है, इसलिए संघर्ष करना ही है। प्लस पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा अच्छा होता है, दिमाग अच्छा होता है। तो दिमाग अच्छा होने की वजह से सारी चीजों को आप धीरे 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 करके डिस्काउंट कर ले जाते हो। तो मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश है, मंगल आपकी कुंडली में पराक्रमेश है। अब ऐसा मंगल अष्टमेश और पराक्रमेश होके उच्च के हो रहे हैं और ये इसके बाद छठवें घर में जाएंगे। देखिए, उच्च के होने के लिए मंगल महाराज 15 मार्च को जाएंगे छठवें घर में, लेकिन इनकी जो उच्चता है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी 7 मार्च से। 7 मार्च से जा रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, तो 7 दिन थोड़ा सावधान रहना है। बाद के 7 दिन मंगल महाराज देंगे बढ़िया फल। 7 दिन क्या सावधान रहना है? देखिए, मंगल उच्च के हो रहे हैं, उच्च का मंगल मकर में हो में धनिष्ठा नक्षत्र में होता है। तो दो चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक अपने पेट का विशेष ख्याल रखिएगा। संतान संबंधी थोड़ा सा कष्ट आपको मिल सकता है। संतान अगर कहीं घूमने जा रही है, विजिट करने जा रही है, आजकल स्कूल वाले विजिट बहुत कराते हैं, पढ़ाते लिखाते कम है, फालतू की नौटंकी ज्यादा कराते हैं। तो ऐसी जगह पे संतान विजिट करने जा रही है जहाँ ऊपर से नीचे देखने का मौका है, ऊपर से नीचे स्लीप करने का मौका है, या वहाँ पे संतान को वाहन चलाने का, अश्व चलाने का मौका मिलता है, गति से भागने का मौका मिलता है, प्लीज मत भेजना। क्लियर से बता रहा हूँ, प्लीज मत भेजना। वैसे भी यह समय आपके लिए मार्च और अप्रैल दबाव का होता है, हर साल दबाव का होता है, इसलिए यहाँ पे संतान के घर में अष्टमेश उच्च के हो रहे हैं, संतान से दूरी पैदा कर रहे हैं, संतान को चोट दे सकते हैं। 14 तारीख तक विशेष ख्याल रखना। 14 तारीख को ये चले जाएंगे छठवें घर में, कष्टम भाव में जाते ही शत्रुहंता योग निर्माण कर देंगे। क्या करेंगे? शत्रुहंता योग का निर्माण कर देंगे। तो मंगल देव 7 मार्च से लेके 28 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। धनिष्ठा मतलब धन का नक्षत्र, मंगल का स्वतः का नक्षत्र है, तो यह ऋण रोग परेशानी से मुक्ति दे देंगे, शत्रु को दबा देंगे, शत्रु दमन कर देंगे। क्या करेंगे? शत्रु दमन करने का योग बना रहे हैं। किंतु संतान को लेके विशेष ध्यान में रखिएगा, क्योंकि संतान का स्वामी भी छठवें घर में जाके बैठा है। इस समय देखिए, पहले का परिवेश क्या था, बहुत डिफरेंट था। माता पिता फाइनल अथॉरिटी थे, जो बोल दिए वही होगा। कहीं जाना है नहीं जाना, उन्होंने एक बार कह दिया, दोबारा फिर प्रसाद मिलता था सीधे सीधे। आजकल कंडीशन डिफरेंट हो गई है। माता पिता को बेचारों को डरना पड़ता है बच्चों से, बच्चों के डिमांड से, बच्चों की हरकतों से। तो यहाँ पे बच्चे आपका विरोध कर देंगे 7-8 दिन, बच्चों की वजह से परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि शनि महाराज ऑलरेडी राहु के सदविशा नक्षत्र में है, तो संतान कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगी। इसलिए 7 दिन तक संतान को वाहन मत देना, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं उसके बाद भी, लेकिन 7 दिन तक विशेष ध्यान रखना। इन 7 दिन में वाहन संबंधी दुर्घटना, ऊपर से नीचे उतरते समय विशेष ध्यान दीजिए। ध्यान देने से फायदा क्या होता है? अगर हमें पता होता है तो हम थोड़ा स्लोली चलते हैं, आराम से निकल जाते हैं। तो और हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। ये जब अष्टम में प्रवेश करेंगे तब तो शत्रुहंता योग निर्माण करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब तक पंचम में है, आप गर्भवती महिला हैं, युवती हैं, भविष्य को आपने गोद में पाल रखा है, तो यह समय गर्भपात का है। किसका है? गर्भपात का है। तो इस तरह की परेशानी से निजात पाने के लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, मंगलवार के दिन थोड़ा सा नमक लीजिए और ले जाइए हनुमान जी के चरणों में बैठ के,
बजरंग बाण का पाठ करिए, ठीक है, निश्चय प्रेम प्रतीतते पाठ करिए। लगभग 95% नमक वहीं छोड़ के चले आइए, 5% लेके आइए और उसको पन्नी में पॉलीथिन में बना के एक लॉकेट बना के कमर में बांध लीजिए, गर्भ स्राव की प्रॉब्लम या गर्भ में जल के स्राव की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अनुभूत प्रयोग में कब लोगों के द्वारा करवाया गया प्रयोग है, बहुत लाभ होता है इसकी। मैथमेटिक्स क्या कहिए तो बता दूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे लेक्चर दे रहे हैं। तो कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताप तुम पाए, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। बंदरों को गुड़ चना केला खिलाते रहना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।